सरकार की ओर से गेहूं की ऑनलाइन खरीद का फैसला लिए जाने को लेकर हरियाणा की ज्यादातर मंडियों में आढ़ती इसके खिलाफ आ गए हैं। जुलाना में सरकार के फैसले के खिलाफ आढ़तियों की ओर से पुराने पैटर्न पर ही गेहूं की खरीद कराए जाने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। इसी कड़ी में अब आढ़तियों ने अपने लाइसेंस और एच रजिस्टर मार्केट कमेटी के कार्यालय में जमा करा दिए हैं। आढ़तियों का कहना है कि सरकार उनका और किसानों के बीच का तालमेल खत्म करना चाहती है, लेकिन वे ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने अब भी उनकी मांग नहीं मानी तो वे अपनी दुकानें भी सरकार को वापस दे देंगे। वहीं मंडी सुपरवाइजर ने कहा कि आढ़तियों की मांग को जल्द ही उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। मंडी में हड़ताल चल रही है गेहूं की ऑनलाइन खरीद के बारे में। सरकार ऑनलाइन चाहती है, हम आढ़ती भाई नहीं चाहते। इसके लिए हड़ताल चल रही थी और आज मंडी ने फैसला लिया है, रजिस्टर और लाइसेंस सेक्रेटरी साहब को दिए हैं और डीसी साहब के नाम इनके थ्रू एक ज्ञापन भी दिया है, वो इनको सौंप दिया गया है। अगर सरकार कल तक नहीं मानेगी तो हम एक और लिख के देंगे कि जितनी भी हमारे को दुकानें दी गई हैं, हमने मोल ली हैं, वो अपनी दुकानें सरकार बेशक वापस ले ले, हमारे पैसे दे दे और सरकार जैसे चाहे वैसा काम करे, हमने कोई एतराज नहीं है। यानी आपका कहना है कि आढ़तियों की जरूरत नहीं है? हाँ, सरकार कहती है कि आढ़तियों की जरूरत नहीं है। आढ़तियों की जो ये काफ़ी दिनों से मांगे आ रही थी, तो आज ये ज्ञापन देने के लिए आए थे। सेक्रेटरी साहब सेंटर में गए हुए हैं, तो ज़्यादा ये COVID-19 की तरफ देखते हुए ज़्यादा भीड़ भड़ाका छोड़ के इनकी जो ज्ञापन दाम में ले लिया है, इसके बारे में उच्च अधिकारी को लिख दिया था। बता दें कि मंडी में गेहूं खरीद के प्रबंधों को लेकर डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला लगातार अनाज मंडियों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आढ़तियों की ओर से सरकार के फैसले का विरोध किए जाने को लेकर अब गेहूं की खरीद पर ही सवाल लग गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आढ़तियों के विरोध के बीच सरकार गेहूं खरीद को लेकर क्या फैसला लेती है। भारत 9 के लिए जुलाना से विजेंद्र बाबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।